इंडिया बनाम इंग्लैंड में यहाँ पर देखा है तो टॉस जीत करके सभी क्रिकेट के चाहने वालों का इंडिया बनाम इंग्लैंड के इस महामुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीत करके सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पहली गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन स्टॉक, टीम इंग्लैंड के कैप्टन। और पहली गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई, पहली गेंद ही मिसफील्ड हो गई। जी हाँ, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी है सभी क्रिकेट के चाहने वालों का इस इंग्लैंड बनाम भारत के इस महासंग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टीम इंग्लैंड ने टॉस जीत करके सबसे पहले यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया है। जी हाँ, और यहाँ पर दिखाया तो पहला ओवर फेंकने आए हैं संजू सैमसन, और इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डकट। और इस बार हल्का सा कट किया आप साइड, इसमें हल्का सा मारने का प्रयास, लेकिन पहली गेंद यहाँ पर एक रन निकाल दिया था, दूसरी गेंद डॉट निकाल दिया, प्लेयर मौजूद था, कोई रन लेने का मौका नहीं। लगातार दो गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, अभी तक एक रन आया है। और यहाँ पर तीसरी गेंद मारने का प्रयास, लेकिन इस बार भी एक्स्ट्रा कवर पर प्लेयर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। जी हाँ, समझू सैमसन बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार करते नजर आ रहे हैं अपने बॉलिंग से टीम इंग्लैंड के ऊपर। और यहाँ पर चौथी गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डकट, और इस बार भी गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। जी हाँ, विकेट कीपर के हाथ में। चार गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, एक रन आया है। और पांचवी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डकट, बहुत ही शानदार तरीके से एक तरीके से खेला, इस बार भी मारने का प्रयास, लेकिन इस बार प्लेयर मौजूद गली पॉइंट पर। जी हाँ, प्लेयर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंद पर ही मिसफील्ड की वजह से एक रन मिला था, बट अब यहाँ पर कोई भी रन लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, और अंतिम गेंद, पहले ओवर की अंतिम गेंद मारने का प्रयास, इस बार गैप में शॉट को निकाल दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अभी भी गेंद को बचा लिया है, चौका नहीं जाने दिया। जी हाँ, चौका नहीं जाने दिया, ऐसा लगा था कि शायद चौका जाएगा, लेकिन चौका नहीं जाने दिया। टोटल दो रन निकाल दिए थे अंतिम गेंद पर। जी हाँ, दोनों बाएं बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। बेन स्टॉक की बात करते हैं, बेन डकट की बात करते हैं, दोनों यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट और फेंकने आए हैं वाशिंगटन सुंदर, राइट आर्म फिंगर स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर पहली गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन स्टॉक ने मारने का प्रयास, और पहली गेंद ही जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बल्ले का किनारे छोर पर गेंद लगी, कोई रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दी है, दूसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन स्टॉक, इस बार भी मारने का प्रयास, और इस बार हवाई फायर कर दिए गली पॉइंट पर, लेकिन एक रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी क्योंकि प्लेयर मौजूद है, कोई रन लेने का मौका नहीं। जी हाँ, बेन स्टॉक तीन गेंदों पर दो रन बनाकर खेल रहे हैं, बेन डकट की बात करते हैं पाँच गेंदों पर दो रन बनाकर खेल रहे हैं, इंग्लैंड चार रन बिना किसी नुकसान के साथ दूसरे ओवर की दो गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। तीसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में, आउट हो सकते थे अगर ये गेंद गिरती नहीं, एक और विकेट हो जाता, बट कोई बात नहीं। और चौथी गेंद फेंक दिया, इस बार भी गेंद हवाई फायर करते हुए, इस बार गेंद गई है थर्ड मैन साइड समय, लेकिन इस बार गेंद को रोक लिया है, फिर भी एक रन मिलेगा। जी हाँ, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर एक रन, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर एक रन, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट फील्डिंग, टाइट बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के प्लेयर। जी हाँ, अच्छी गेंद फेंकने तैयार, इस बार एक गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दी बहुत ही कम टाइम पे, क्या बात है, डायरेक्ट थ्रो वाशिंगटन सुंदर की तरफ से, बहुत ही गजब का थ्रो लगाया। जी हाँ, पांच गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, टोटल चार रन आए हैं। जी हाँ, अंतिम गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन स्टॉक, इस बार शॉर्ट पिच गेंद रखने का प्रयास, गेंद गई फाइन लेग साइड से, प्लेयर मौजूद, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब। जी हाँ, गेंद को रोकने में नाकामयाब, अंतिम गेंद पर चौका लग गया है। जी हाँ, बेन स्टॉक की अंतिम गेंद, जबरदस्त प्रहार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मारना चाहते थे गली पॉइंट पर, लेकिन गेंद घूम गई फाइन लेग साइड से, बल्ले का किनारा छोड़ लगा। फिलहाल देखा है तो दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, तीसरे ओवर शुरुआत, तीसरा ओवर फेंकने आए हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने आते हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे बेन डकट ने, पहली गेंद मारने का प्रयास, ऑफ साइड समय, प्लेयर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। जी हाँ, पहली गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दी है, दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डकट, इस बार भी जबरदस्त प्रहार। जी हाँ, फाइन लेग साइड समय मारने का प्रयास, लेकिन इस बार चौका जाएगा,
काफ़ी दूर प्लेयर था, गेंद को हवाई पर करते हुए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सभी क्रिकेट के चाहने वालों का इंडिया बनाम इंग्लैंड के इस महामुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दो गेंदें समाप्त हो चुकी, तीसरे ओवर की चार रन आए अभी तक। तीसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बैंड विकेट, इस बार भी जोरदार प्रहार। जी हाँ, ऑफ साइड दिशा में कट किया था, प्लेयर मौजूद थे, फिर भी जबरदस्त प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। जी हाँ, जबरदस्त प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। आज रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तूफान की तरह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, अक्षर पटेल सही से गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, कर पा नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चौथी गेंद फेंकने था, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे बैंड विकेट, इस बार भी जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, लेकिन इस बार प्लेयर मौजूद है और यहाँ पर चौथी गेंद पर एक रन निकाल दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी गेंदबाजी करें, जैसे अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर कर गए हैं, संजू सैमसन कर गए हैं, दोनों के दोनों प्लेयरों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी है। पांचवी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन स्टॉक्स, इस बार भी हल्का सा कट किया था, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद गई, कोई रन लेने का मौका नहीं, एक डॉट गेंद, पांचवी गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दी है। अक्षर पटेल ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई अपनी गेंद पर, और यहाँ पर अंतिम गेंद, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद का सामना करें, इस बार भी जबरदस्त प्रहार। जी हाँ, इस बार भी प्लेयर मौजूद है, देखते हैं क्या गेंद को रोक पाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर गेंद को रोक लिया, एक रन निकाल दिया यहाँ पर। जी हाँ, अंतिम गेंद पर एक रन के साथ ओवर समाप्त, इंग्लैंड 21 रन बिना किसी नुकसान के साथ तीन ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जी हाँ एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ओवर फेंकने आए हैं तिलक वर्मा, राइट आर्म फिंगर स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। बैन स्ट्रोक 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। बैन डुकेट की बात करते हैं, 12 गेंदों पर 14 रन। और चौथे ओवर की पहली गेंद फेंकने तैयार, जबरदस्त प्रहार, गेंद गई थर्ड मैन सॉरी फाइन लेग साइड से, हमें प्लेयर मौजूद, एक रन मिलेगा। जी हाँ, चौथे ओवर की पहली गेंद, तिलक वर्मा यहाँ पर गेंदबाजी करने आए और बहुत ज़्यादा टाइट बॉलिंग, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बड़ा स्कोर ही नहीं बनाने दे रहे हैं। चौथे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद घुमाने प्रयास, इस बार हवाई फायर कर दिए। जी हाँ, इस बार चौका जगह, गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, स्ट्राइक कवर पर हवाई फायर करते हुए अपने बाजुओं का दमखम दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। आज रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तूफान की तरह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार करने का प्रयास किया था बेन स्टोक्स, 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। बेन डुकेट की बात करते हैं, 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड 26 रन बिना किसी नुकसान से, चौथे ओवर की दो गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। तीसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डुकेट। जी हाँ, इस बार भी जबरदस्त प्रहार। जी हाँ, एक्स्ट्रा कवर पर सॉरी जी हाँ, डीप स्क्वायर लेग साइड से हल्का सा कट किया था, एक्स्ट्रा कवर पर नहीं, डीप स्क्वायर लेग साइड से हल्का सा कट किया था, कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गैप में शॉट को निकाला, सीधा चौका लगा दिया है। क्या गजब का शॉट लगाया, देखिए उन्होंने पहले ही से ही देख रखा था कहाँ कहाँ जगह खाली है, किस किस तरीके से आज फील्डिंग करनी है, और बहुत ज़्यादा टाइट बॉलिंग करें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस बार भी जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले पर आई नहीं गेंद, एक डॉट गेंद, चौथी गेंद डॉट, टोटल 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 9 रन आ चुके हैं अभी तक। पांचवी गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डुकेट। जी हाँ, और पांचवी गेंद का सामना करेंगे बेन डुकेट ने। जी हाँ, पांचवी गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दी है बहुत ही तरीके से, लेकिन एक वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। और पांचवी गेंद फेंकने तैयार, इस बार भी जबरदस्त प्रहार। जी हाँ, इस बार भी चौका जाएगा बहुत आराम से, हवाई फायर करते हुए, जी हाँ हवाई फायर करते हुए आप साइड दिशा में प्लेयर के ऊपर से गैप में शॉट को निकाला और एक चौका अपने नाम किया। तिलक वर्मा अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रहार करते नजर आ रहे हैं, अपने गेंदबाजी का बहुत ही अच्छे तरीके से दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंद को सही से खेल पाना बहुत ज़्यादा, इस बार भी जबरदस्त प्रहार करने प्रयास, डीप स्क्वायर लेग साइड से कोई प्लेयर मौजूद नहीं, इस बार भी चौका जाएगा। जी हाँ, लेकिन जी हाँ, इस बार गेंद को रोक लिया, 2 रन चुरा लिए यहाँ पर। जी हाँ, 2 रन चुरा लिया, अंतिम गेंद 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, इंग्लैंड 37 रन बिना किसी नुकसान से, 4 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। बेन स्टोक्स और बेन डुकेट की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से साझेदारी करते नजर आ रहे हैं, दोनों के पार्टनर से बहुत बेस्ट है, आज एक भी विकेट यहाँ पर गिरने नहीं दिए हैं। जी हाँ, आखिरी ओवर फेंकने आए हैं यशस्वी जायसवाल, राइट आर्म वरिष्ठ स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं।
पांच ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे बेन स्टोक्स। और पहली गेंद हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, जी हाँ ऑफ साइड दिशा में जबरदस्त प्रहार करते हुए, हवाई फायर करते हुए अपने बाजुओं का दमखम दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। लास्ट मोमेंट पर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट पिच रखने का प्रयास किया था लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। आज रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तूफान की तरह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बेन स्टोक्स 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेले हैं। बेन डकेट की बात करता है 17 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेले हैं। इंग्लैंड 41 रन बिना किसी नुकसान के साथ 5 ओवर की पहली गेंद समाप्त हो चुकी है। दूसरी गेंद फेंक लेता है, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर बेन डकेट और बेन स्टोक्स। जी हाँ, दूसरी गेंद का सामना करेंगे बेन स्टोक्स। इस बार भी जबरदस्त प्रयास लेकिन इस बार प्लेयर मौजूद थे लेकिन कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर 2 रन चुरा लिया बहुत ही चापलूसी के साथ। जी हाँ, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। 2 रन निकाल दिए पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन निकाल दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते नजर आ रहे हैं। और तीसरी गेंद फेंक दिया, इस बार भी जबरदस्त प्रहार और यहाँ पर विकेट। जी हाँ, विकेट गिर गया है, कैच आउट ले लिया है, बैट का किनारा छोड़ लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। काफ़ी देर बाद एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जी हाँ, काफ़ी देर बाद और बहुत ही बढ़िया अंदाज में इस गेंद को पकड़ा जितेश शर्मा ने, बैट का किनारा छोड़। और यहाँ पर टीम इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेले थे। 149 रेट के स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके लगाए थे इन्होंने। और अब इन्हें पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं डैन लॉरेंस। जी हाँ, डैन लॉरेंस आ चुके हैं। तीसरी गेंद के बाद चौथी गेंद फेंक दी, इस बार भी गेंद सीधा सीमा रेख, ऐसा लगा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी लेकिन इस बार भी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। जी हाँ, पांचवी गेंद फेंक ली, इस बार भी गेंद का सामना करें डैन लॉरेंस। इस बार भी जबरदस्त प्रयास लेकिन फील्डर मौजूद ऑफ साइड दिशा में, कोई रन लेने का मौका नहीं। जी हाँ, लगातार 2 गेंदें यहाँ पर डॉट निकाल दी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रहार करते नजर आ रहे हैं। और अंतिम गेंद, जी हाँ अंतिम गेंद, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद मारने का प्रयास। और इस बार एक और बहुत जबरदस्त विकेट, जी हाँ अंतिम गेंद पर एक और बहुत बड़ा विकेट निकाल दिया है। जी हाँ, यशस्वी जैसा लास्ट ओवर फेंकने आए थे और अंतिम ओवर पर 2 विकेट निकाल दिए हैं। जितनी तारीफ करिए दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जैसा की, उतनी कम है। हल्का सा गुगली फेंका था, बैट से गेंद लगी और यहाँ पर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, डैन लॉरेंस को भी यहाँ पर अंतिम गेंद पर 3 गेंदें खेल करके अंतिम गेंद पर पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर एक इनिंग समाप्त हो चुकी है। देखते हैं टीम इंडिया यहाँ पर अब किस तरीके से क्या परफॉर्म करती है, कितना बड़ा स्कोर दिया है। जी हाँ, 43 रन का स्कोर दिया है 5 ओवर पर। और यहाँ पर बात करें तो 2 लोगों को यहाँ पर आउट कर दिया था लास्ट मोमेंट पर। यशस्वी जायसवाल ने बेन स्टोक्स आउट कर दिया था 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे थे। डैन लॉरेंस को 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट कर दिया था। रोहित शर्मा और सुमन गिल आ चुके हैं स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर पर। जी हाँ, और ओली रॉबिन्सन आए हैं राइट आर्म। रोहित शर्मा ने अभी शुरुआत नहीं करी है। जी हाँ, पहली गेंद फेंक दिया, इस बार गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। जी हाँ, देखते हैं 30 गेंदों पर 44 रन चाहिए जीत के लिए। जी हाँ, 30 गेंदों पर 44 रन। पहली गेंद बहुत बड़ा प्रहार, जी हाँ जबरदस्त प्रहार, अपने बाजुओं का दमखम दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। जी हाँ, रोहित शर्मा के बैट से आरंभ प्रचंड की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, रोहित शर्मा के बैट से आरंभ प्रचंड की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम इस गेम प्ले में जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, और आज आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इंडिया बनाम इंग्लैंड के महामुकाबले को देखना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम के जरिए तो वो भी आप मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इस बार मारने का प्रयास और यहाँ पर पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट निकाल दिए, गेंद सीधा ओवर द विकेट, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। 28 गेंदें 38 रन चाहिए जीत के लिए। तीसरी गेंद फेंक लेते हैं, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा। तीसरी गेंद, इस बार भी हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन इस बार भी गेंद बल्ले पर आई नहीं। लगातार 2 गेंदें यहाँ पर डॉट निकाल दी हैं। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 6 रन आए हैं। चौथी गेंद फेंक लेते हैं, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। इस बार भी हवाई फायर कर दी है, लगातार 3 गेंदें एक जैसी, थोड़ा सा गेंद को शॉर्ट पिच करा रहे थे, गेंद सीधा विकेट कीपर के ऊपर से जा रही थी। और यहाँ पर चौथी गेंद हवाई फायर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है और इस गेंद पर छक्का लगा करके रोहित शर्मा ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 12 रन आ चुके हैं अभी तक। 179 मीटर का सिक्स डिस्टेंस लगाया था, कोई बात नहीं। और अब 5वीं गेंद फेंक तैयार और रॉबिन्सन इस बार गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा।
इस बार भी मानेगा प्यास, लेकिन इस बार गेंद को बाहर रख करके थोड़ा सा इंस्टिंग कराया, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार बल्ले पर आई नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। पांच गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 12 रन आए अभी तक। बहुत ज़्यादा टाइट फील्डिंग और बस सही में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइट फील्डिंग और बहुत ज़्यादा टाइट बॉलिंग, और बॉलिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है रॉबिन्सन की तरफ से। इस बार भी जबरदस्त प्रहार, अंतिम गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस बार हवाइयाँ उड़ा दी हैं, जी हाँ, इस बार हवाई फायर करते हुए रोहित शर्मा का जलवा देखिए, इस गेंद पर छक्का लगा दिया है। आगे वाले पैर को थोड़ा झुकाया, पीछे वाले पैर को बिल्कुल स्ट्रेट किया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सारे के सारे प्लेयर खड़े होकर देखते ही रहेगा, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करने का प्रयास किया था। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुमन गिल लाइट हैंड बैटर रूम में जाने आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं दूसरा ओवर खेलने के लिए। जितने लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुमन गिल आ चुके हैं दूसरा ओवर फेंकने के लिए, गेंद का सामना करेंगे सुमन गिल मार्क वुड, दूसरा ओवर फेंकेंगे। पहली गेंद सुमन गिल के बैट से हवाई फायर करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। जी हाँ, हवाई फायर करते हुए इस बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। आज रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तूफान की तरह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था, दूसरी गेंद फेंकने था, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे सुमन गिल। इस बार भी माने प्रयास, लेकिन दूसरी गेंद को पैरों के पास रख करके थोड़ा सा आउट स्विंग कराया, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद डॉट निकाल दी, तीसरी गेंद फेंकने था, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर सुमन गिल। और यहाँ पर लगातार दो की दोनों गेंद यहाँ पर आउट स्विंग कराते हुए गेंद को विकेट कीपर के पास भेज दिया है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसी गेंदबाजी करा रहे हैं आप, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद रख रहे हैं। जी हाँ, लगातार दो शॉर्ट पिच गेंदें रख करके यहाँ पर गेंद को, और यहाँ पर चौथी गेंद फेंकने था, इस बार भी गेंद का सामना करेंगे सुमन गिल। इस बार जबरदस्त प्रहार, लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल विकेट के बगल से निकाला, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में मार्क वुड यहाँ पर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। सुमन गिल चार गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा छः गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार हवाई फायर करते हुए सीधा चौका लगा दिया। मार्क वुड ने सोचा था कि बहुत ही जबरदस्त अंदाज से प्रहार करेंगे, लेकिन इस बार मार्क वुड के ऊपर से ही गेंद को निकाल दिया। बहुत ज़्यादा बाल बाल बचे, मार्क वुड ही यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आज खेला है इस चौके को, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करने का प्रयास किया था, गेंद सीधा चौके की साइड गई। और अंतिम गेंद बची, और अंतिम गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर सुमन गिल। जी हाँ, इस बार हवाई फायर, अंतिम गेंद हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा के बाहर। आज रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तूफान की तरह के बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुमन गिल के बैट से आरंभ प्रचंड की शुरुआत हो चुकी है, अपने बाजुओं का बहुत ही अच्छी तरीके से दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं सुमित, दिखाए तो सुमन गिल और यहाँ पर रोहित शर्मा, दोनों के दोनों बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट ओवर फेंकने आए क्रिस वॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में जाने आते हैं। जी हाँ, इस बार गेंद का सामना करेंगे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेले हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद खेलने का प्रयास, और पहली गेंद यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद रखी। ये मैं देख रहा हूँ कि इस बार सारे के सारे प्लेयरों ने एक चीज़ यहाँ पर ठान रखी है कि शॉर्ट पिच गेंद कैसे रखेंगे। जी हाँ, कोई बात नहीं, पहली गेंद डॉट निकाल दी, दूसरी गेंद फेंकने तैयार, इस बार गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर, इस बार सीधा छक्का, और उनकी चतुराई का सामना उठाते हुए गेंद को बैकफुट पर खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, बैकफुट पर गेंद सीधा छक्का लगा दिया। क्रिस वॉक्स ने लगातार दो गेंदों को शॉर्ट पिच रखने का प्रयास किया था, सोचा था कि ऐसे ही गेंदों को डॉट करा देंगे, लेकिन टीम इंडिया के प्लेयरों के सामने चतुराई करना पॉसिबल नहीं है। 173 मीटर का सिक्स डिस्टेंस लगा दिया, और तीसरी गेंद फेंक दिया, इस बार भी गेंद का सामना, और इस बार गुल्लियाँ उड़ा दी हैं। जी हाँ, इस बार यहाँ पर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा। इस बार भी ऐसा लगा था कि शायद उसी तरीके से गेंद को खेलेंगे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर आई नहीं और सीधा गुल्लियां उड़ गई। एक बहुत बड़ी सफलता लास्ट मोमेंट पर, अब इंडिया इंग्लैंड के सभी प्लेयरों के हाथों में। 9 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे थे, 4 छक्के लगाए थे। अब यहां पर आएंगे विराट कोहली, जी हां, दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं किंग विराट कोहली, इस बार गेंद का सामना करेंगे। तीसरे ओवर के 3 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 15 गेंदों पर 4 रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। और स्ट्राइक पर है विराट कोहली, पहली गेंद यहां पर डॉट निकाल दी, काफ़ी दूर खड़े थे, एक और चौके की आवश्यकता है टीम इंडिया को जीत के लिए। जी हाँ,
एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, जितने भी लोग हमारे साथ इस गेम प्ले से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस गेम प्ले से जुड़ रहे हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, पांचवी गेंद फेंक लेते हैं। इस बार हवाई फायर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज करके टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, इस बार जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते हुए गेंद यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर भेज गई। अपने बाजुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से दमखम दिखाया विराट कोहली ने। दूसरी गेंद, पहली गेंद डॉट निकाल दी, दूसरी गेंद पर सीधा सीमा रेखा के बाहर। इंडिया ने 4 रनों से इस मैच को जीत लिया है। जी हाँ,